है। भाई की जान लेने के इरादे से उसे पहली मंजिल से फेंक दिया। यह वारदात मानकापुर के साई नगर में हुई है। जख्मी भाई अनिल मानिकराव पांगे भाई 48 वर्ष का बताया जा रहा है तथा आरोपी संदीप पानीकराव भांगे 52 साल का है। जख्मी अनिल रेलवे में एक कर्मचारी है और संदीप साई नगर में ही रहता है, जहां और भी दो भाई हैं। अनिल और आनंद ने 6 माह से संदीप की भाइयों के साथ संपत्ति को लेकर विवाद करता था। मारपीट का वाकया सोमवार की रात में हुआ है। आरोपी ने अपनी भाभी को तक पीटा है, साथ ही मां को तक नहीं छोड़ा है। मिली जानकारी के मुताबिक मां की उम्र 70 वर्ष की बुजुर्ग बताई जा रही है। भाभी ने अपनी सास को मारपीट के चंगुल से छुड़वाया है। जैसे ही घटना की जानकारी अनिल को मिली तो अनिल वहां मौजूद हो गया और भाई संदीप को समझाने लगा, लेकिन संदीप के ऊपर तो खून सवार था। इसी के चलते अनिल को पहली मंजिल से नीचे फेंक दिया। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। जहां दूसरी ओर से नागपुर में ही बाइक फिसलने से किसना कंगाले की मौत हो गई है। वह हिंगना मोगा झिल्पी के मार्ग से जा रहा था, अचानक बाइक फिसलने से उसकी मौत हो चुकी है, जहां उपचार के दौरान सोमवार को उसने दम तोड़ दिया। जहां दूसरी ओर से खबर आ रही है नागपुर के फुटाला तालाब की, जहाँ एक युवक को ही लूट लिया और बुरी तरह से जख्मी तक कर दिया। युवक सुरेंद्रगढ़ निवासी सुभाष मिश्रा मंगलवार तड़के दोपहरिया गाड़ी पंचर होने से उसे खींचते हुए फुटाला के पास घर ले जा रहा था। उसे बाइक पर ट्रिपल सीट सवार युवकों ने रोका और मारपीट कर जेब से 5,000 रुपए निकाल दिए और साथ ही साथ चाकुओं से वार कर दिया और गंभीर रूप से घायल कर दिया और बदमाश फरार हो गए। फिलहाल मामले की शिकायत अम्बाजरी थाने में दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल वक्त हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक एंड इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए बने रहिए एमएनएस न्यूज के साथ। धन्यवाद।